हे गाइज इट्स मी अंश एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अपने Redmi के कोई से भी डिवाइस के अंदर किस तरीके से ऑक्सीजन OS 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये जो ऑक्सीजन OS 11 का मैं पूरा लुक बताऊंगा, इसको मैं साइड बाय साइड कंपेयर भी करके बताऊंगा रियल वन प्लस डिवाइस से जिसके अंदर रियली में ऑक्सीजन OS 11 रन हो रहा है। तो इसको सेम टू सेम मैं करके दिखाऊंगा अपने Xiaomi के Redmi Note 10 डिवाइस के अंदर और बताऊंगा कि किस तरीके से वर्क करता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये जो मेरे हाथ में डिवाइस है Redmi का Note 10 डिवाइस है और ये जो डिवाइस है ये अभी रन कर रहा है MIUI 12.5 पे। अब MIUI 12.5 पे भी आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी उसके नीचे वाले वर्जन पे भी ये सेम मेथड से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सिंपली आना है थीम स्टोर पे एंड सर्च करना है ऑक्सीजन OS 11 एंड ये आपको एक कुछ इस टाइप की थीम देखने को मिल जाएगी और इस थीम के थ्रू अगर आप लोग इंस्टॉल करते हो तो आप लोगों का लुक भी इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोगों को कोई भी ज़्यादा थर्ड पार्टी चीज़ों की दिक्कत नहीं लेनी पड़ेगी। इसको सिंपली मैंने डाउनलोड करके पहले से रखा था, इसको मैं अप्लाई करता हूँ तो अप्लाई करते ही इसका जो ऑल ओवर द लुक है वो कन्वर्ट हो चुका है ऑक्सीजन OS 11 के साथ। लाइक मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाऊं तो इसकी जो लॉक स्क्रीन है थोड़ी थोड़ी ऑक्सीजन OS 11 की तरह हो चुकी है और फ्री मेथड में तो गाइस ऐसा ही होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें होम स्क्रीन की तो होम स्क्रीन भी इसकी कस्टमाइज हो चुकी है लाइक ऑक्सीजन OS 11। आप लोग सर यहाँ पे क्लॉक विजिट देख सकते हो, आइकन्स देख सकते हो। बेसिक रेडमी वाले डिवाइस के आइकन थोड़े बड़े हैं नो मैटर, बट जो आइकन्स हैं वो भी एकदम ऑक्सीजन OS 11 की तरह हो चुके हैं। आप लोग होम स्क्रीन आइकन्स को देख सकते हो एंड बाकी सब चीज़ों को भी देख सकते हो। सारी चीज़ें सेम टू सेम हमें ऑक्सीजन OS 11 की तरह देखने को मिलती हैं। इसका जो कंट्रोल सेंटर है रियली में वन ऑफ द बेस्ट कंट्रोल सेंटर लगा मुझे अभी तक की कोई सी भी MIUI 12.5 या फिर 12.0 की थीम की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो नोटिफिकेशन पैन का लुक है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हो चुका है। इसी के बाद आप लोगों का यहाँ पे जो बैटरी इंडिकेटर है वो भी ऑक्सीजन OS 11 का हो चुका है एंड आप लोगों की जो नेविगेशन बटन्स हैं वो भी सेम टू सेम ऑक्सीजन OS 11 के हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा आप लोग किसी थीम से और क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जल्दी से यहाँ पे बूट एनिमेशन भी दिखा देता हूँ क्योंकि जो बूट एनिमेशन है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज हो चुकी है। मैंने दोनों डिवाइसेस को रीबूट कर दिया है, आप लोग देख सकते हो एक साइड Redmi है एक साइड OnePlus है। अब दोनों डिवाइस जब बूट होते हैं तो सेम OnePlus के ऑक्सीजन OS 11 की आपको बूट एनिमेशन देते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा। तो आई होप आप लोग इस तरीके से ऑक्सीजन OS 11 के पूरे लुक को अपने डिवाइस के अंदर Redmi के यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप लोगों के वाला मेथड अच्छा लगा तो आप लोग इस मेथड को एक लाइक ज़रूर से कर सकते हो। इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल गाइस इन द वेरी नेक्स्ट।